सरकार ने इसमें बहुत ही ज़्यादा लीनियंट व्यू लिया है और अब जो लेटेस्ट आदेश है उसके तहत ये बताया गया है कि 25% से 49% तक भी अगर नुकसान है तो वो सहायता के पात्र होंगे। जिलाधिकारी महोदय ने राजस्व विभाग और कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी किसानों का सर्वे करके 2 दिन के अंदर रिपोर्ट शासन को भिजवाई जाए और उसके लिए राजस्व विभाग के साथ कृषि विभाग के लोग भी सहयोग कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कल तक, जैसा डीएम साहब ने निर्देश दिया है, कल तक कोई रिपोर्ट बन के शासन को प्रेषित की जाएगी और जो धनराशि होगी वो तहसीलों के माध्यम से नियमानुसार किसानों को वितरित होगी। क्षतिपूर्ति में भी कुछ राहत दिया गया है किसानों को? क्षतिपूर्ति देखिए, जो बीमा के संबंध में अगर आप बात कर रहे हैं तो बीमा के जो किसान हैं हमारे, उनको क्रॉप कटिंग के आधार पे जो उपज होगी और यदि उपज सामान्य उपज से कम आती है तो बीमा कंपनी उनको निश्चित रूप से बीमा का लाभ देगी। 50% जिनका था उनको 25% कर दिया गया है। 50% जो मिनिमम लॉस की सीमा थी उसको घटा के प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको घटा के 25% तक कर दिया। सर, किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, बारिश से तो नुकसान हुआ ही हुआ है, कोल्ड स्टोरों में आलू, किसानों का आलू रखने को तैयार नहीं है, बाहर लाइनें लगी पड़ी हैं, उससे नुकसान हो रहा है किसानों को? हाँ, स्वाभाविक है, कई जगह से दिक्कत हो सकती है। उद्यान विभाग को भी डीएम साहब ने कहा है कि भाई इसको सतत रूप से नज़र रखें और जो किसानों को स्टोरेज की समस्या है उसका समाधान हो। कल हमारे यहाँ कृषि गोष्ठी थी तो उसमें भी एक दो किसान ने ये बात उठाई थी कि जगह की कमी हो रही है, तो विस्तृत उद्यान अधिकारी को कहा गया है कि इस विषय पे सतत नज़र रखें और किसानों को किसी तरह की असुविधा ना होने दें।